तो अभी हम जा रहे हैं पौड़ी की ओर। आप देख सकते हैं बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, कोहरा छाया हुआ है, ठंड काफ़ी लग रही है। मैं जैकेट पहनना भूल गया, मैं मुझे लगा कि ठंडी होगी, ठंड लग रही है। देखो और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो चरकोट से पौड़ी तक की रोड है आपको दिखा सकूं कैसी है, पहाड़ों में कैसी रोड होती हैं और लोग ड्राइविंग कैसे करते हैं, और साथ ही आपको व्यू भी दिखा सकूं ऊपर से। और वैसे सच में पहाड़ों में ड्राइविंग करना बड़ा टफ है, आगे मोड़ हो, नीचे घाटी हो और साथ में कोहरा लगा हो, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो, तो आप समझ सकते हो। वैसे विकास को थैंक यू बोलना तो बनता है, क्योंकि मैं विकास के साथ पौड़ी जा रहा हूँ और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ आऊँगा ताकि मैं अपने दर्शकों को एक सुंदर सा व्यू ऊपर से दिखा सकूँ। हाँ, ये ऊपर से कल यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी थी, मैं देखी थी ना गाड़ी वहाँ से, मैं पूछा गाड़ी क्यों खड़ी वहाँ पे, मुझे लगा पता नहीं किसी घर होगा ऊपर, अरे वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी है। मैं हो गया काम, फिर कल फिर कैसे जाऊँ, फिर पता नहीं किसी ने बोला कि निकी चाचा हाँ वो जाते हैं थोड़ी उनके साथ मिल गया। मैं हाँ यार ठीक है फिर। पौड़ी में तो पूरा कोहरा लगा हो गया यार, है ना, देर में छटता हुआ। हाँ थोड़ा सा धूप निकल गई आज, तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं मौसम का। हाँ तो आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए दोस्तों, ऊपर अभी और अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बंगरड़ी है ये, सही बंगरड़ी है, सुमन बोरा लग रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे रोड नीचे बहुत गहरी खाई, बहुत नीचे देखने में डर लग रहा है। विजिबिलिटी 100 मीटर की भी मुश्किल से। हाँ तो खिल जाए ना, मौसम बहुत दिन से बारिश आ रही, तो थोड़ा सा सुहाना हो जाए मौसम। बारिश में दिक्कत है, कपड़े उपड़े भी कहाँ सूखते हैं हमारे, मैंने गीले कपड़े रखे बैग में। तो मैं गया उच्ची धारमा, और उच्ची अच्छा भाई, आप चीड़ों के बीच से। अरे वाह, बच्चे अभी टाइम हो रहा है आपका, टाइम तो हो गया 7:30 बजे। तो हम पहुंच गए हैं जंगला खाल और इसके बाद आएगा घुड़घुड़ी और उसके बाद पौड़ी। पौड़ी से पहले एक और है, क्या नाम, खानी हुसैन। खानी हुसैन देखो, आप देखो, आप धूप खिल गई ऊपर,
और व्यू देखिए, व्यू देखिए आप कोहरे का, उससे कोहरे से ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं दिखा। वैसे अक्सर होता है जो ऊपर हिल होता है वहाँ पे धूप निकली होती है, और जो कोहरा होता है वो थोड़ा वैली में कोहरा होता है, वहाँ तक धूप पहुँचने पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा थोड़ा ठंड होती है। ऊपर तो होती है, बट जब वैली होती है वैली में भी ठंड होती है, कोहरे की वजह से ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पर धूप थोड़ा लेट निकलती है, इसकी वजह से। देखो अभी नीचे धूप नहीं थी तो ऊपर आए हम, तो ऊपर हमें धूप मिल गई, तो वहाँ भी वैली में भी धीरे धीरे धूप जाएगा। आज मौसम बढ़िया हो गया, बताओ। अच्छा हाँ, जब तक विदाई की रहेगी तब तो चलो जी। चीड़ का ये रास, इसमें तो फिसलन होते हैं चीड़ की, इसमें तो रास। हाँ यहाँ तो पहाड़ों में तो संभल के भी चलाना पड़ता गाड़ी। अच्छा ये ऊपर है, तो हम घुड़घुड़ी पहुँच चुके हैं, मोस्टली क्या हम पहुँच ही गए हैं घुड़घुड़ी, और हमारे ठीक ऊपर घुड़घुड़ी कॉलेज है, इधर ऊपर ये वाला, हाँ ये बाउंड्री है, आपको दिख रही होगी। ये सामने वाला ऑडिटोरियम, अच्छा हाँ ये अलग तो ऐसे रहा, इंडोर स्टेडियम टाइप है, और ये ऑडिटोरियम है सामने इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये हॉस्टल है शायद, है ना स्टाफ हॉस्टल है। ये है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ पौड़ी गढ़वाल। अब देखिए आप मेरा सच में, और दोस्तों ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये अलकनंदा वैली है, इसके ऊपर पूरा कोहरा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। आप देख सकते हो नज़ारा, नज़ारे का लुत्फ उठाएगा और मुझे बताएगा कि आपको कैसी लगी है। ये जो पीछे छूट गए एक मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से दिखेगा तो चलो चलो, इधर से एक रास्ता गया जो देवप्रयाग मिलता है, और वहाँ से बॉडी से देवप्रयाग, सॉरी तो अभी हम हैं पौड़ी देवप्रयाग वाली रोड पे, और अब इससे आगे आएगा घुड़घुड़ी और उसके बाद आएगा पौड़ी, ठीक है। अरे वाह यहाँ ट्रैफिक जाम है, गौ माता मजे से सो रखी है। ये ऐसे छोड़ के लोगों के अपने होंगे, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इनको यार, जंगल में छोड़ना चाहिए, ये ऐसे पन्नी वन्नी खा, मार्केट में पन्नी वन्नी खाते हैं फिर दिक्कत होती है उनको। ये कौन सा मंदिर है ऊपर, अच्छी खाल, अच्छा तो ये अच्छी खाल है, हालांकि इधर के हैं लेकिन इतना पता नहीं, कभी ऐसे आए नहीं इधर। वैष्णो देवी मंदिर, खांडी सैंड या पहले कोर्ट वाले रोड आई है जो कोर्ट की तरफ जाती ना, खांडी सैंड से तो जाती हुई अंदर को। हाँ हाँ
हाँ खांडी शहर में एक बार आ रखा हूँ, पिछली गया था मैं वहाँ से। ये सामने तो है ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ ये सामने खांडी शहर, यहाँ से पैदल गया था नीचे में पिछली। स्वागत है। कारागार है सामने, कारागार बोले तो जेल कैदियों के लिए, जिला कारागार पौड़ी करवा रहे खानी सैन। सिद्धपीठ श्री भुवनेश्वरी जी मंदिर, फिर कोहरा आ गया। तो यहाँ तो ऐसे चलता रहता है, कभी आता है कोहरा, कभी जाता है, कभी ठंड आती कभी जाती है। मोस्टली आपको पहाड़ों में ऐसे मिलेगा, खासतौर पर पौड़ी में तो ऐसे ही है। पौड़ी वैसे ठंडा है काफी। ये नीचे पौड़ी के लिए ना, हाँ नीचे पौड़ी के लिए, और ये ऊपर आपका कोटद्वार के लिए रोड निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नमस्कार करना भूल गया था आपको। खैर तो ये था सफ़र चराकोट से पौड़ी का। बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर ही देना यार, कोई बात नहीं। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना, बाय। तो अभी हमें कंडोलिया में पौड़ी के जो टॉप में है, और कंडोलिया की वैली कह सकते हो आप, दोनों तरफ बांझ के जंगल आप देख सकते हो, शानदार वैली, बांझ बुरान देवदार, यहाँ तो धोबी क्या ही निकलती होगी, देवदार के पेड़ बढ़िया है। तो ऐसा दिन भूकंप होगा, जाओगे अगर ये इस रात